हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासक और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जाकिर हुसैन ने यमुनानगर के साढौरा कस्बे का दौरा किया और साढौरा में आयोजित किए गए सम्मान समारोह में शिरकत की। सम्मान समारोह में पहुंचने पर इमामों ने प्रशासक चौधरी जाकिर हुसैन का फूलों की वर्षा कर भव्य स्वागत किया। हरियाणा वक्फ बोर्ड के इमामों में पूरे कार्यक्रम के दौरान भारी जोश और उत्साह देखने लायक था। इस मौके पर उन्होंने हरियाणा के इमामों का मानदेय बढ़ाने पर सरकार का धन्यवाद किया। हरियाणा वक्फ बोर्ड ने इमामों को सालाना उनकी तनख्वाह में 5% की वृद्धि की है, जो आज से पहले किसी भी वक्फ बोर्ड ने पूरे देश में नहीं की। और इसी तरह इमामों की जो तनख्वाहें थीं उनके अंदर एक मुश्त 5,000 रुपये महीने की बढ़ोतरी की है, और साथ ही साथ जो सहायता प्राप्त मस्जिदें हैं हरियाणा में, हरियाणा वक्फ बोर्ड द्वारा उनको जो एक असमानता थी, कहीं 2,000 रुपये सहायता थी, कहीं 3,000 रुपये सहायता थी, उस सब को भी बढ़ाकर 5,000 रुपये किया गया है। वहीं उन्होंने मदरसों की होने वाली जांच को जायज बताते हुए कहा कि अगर इनकी जांच होगी तो तभी तो मुस्लिम डॉक्टर भी बनेंगे और इंजीनियर भी। हाफिज और मदानी से काम नहीं चलता, इन मदरसों की रजिस्ट्रेशन भी होना जरूरी है और ये भाजपा सरकार का सराहनीय कदम भी है। यूपी सरकार ने बार बार ये साफ कहा है कि मदरसों का सर्वे इसलिए किया जा रहा है तो उन मदरसों का आधुनिकीकरण किया जाएगा, इसके लिए उनका सर्वे हो रहा है। और ये बार बार हम आदरणीय योगी जी ने बार बार इस बात को साफ किया है। सर, जहाँ तक भी है, हर चीज की रजिस्ट्रेशन सर्वे तो हर चीज का होता है, और सर्वे किसी चीज का कोई अच्छाई बुराई के लिए थोड़ी होता है। उसके लिए कोई आदमी लोग जाकर रजिस्ट्रेशन कराते हैं। आज मैं MBBS कर लेता हूँ, मेरी बिटिया ने MBBS की है, भाग भाग के उसने रजिस्ट्रेशन कराया है कि भाई मैं डॉक्टर बन गई। इसी तरह जहाँ जो सुविधा लेनी है आपको, तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ता है। जाकिर हुसैन ने कहा कि भाजपा सरकार जाति धर्म की राजनीति नहीं करती और कुछ लोग हैं जो ऐसा कर देश का माहौल खराब कर रहे हैं, और ये काम पिछली सरकारों ने किया भी है, लेकिन भाजपा सरकार सभी को साथ लेकर चल रही है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी दोनों ही देश के लिए काम कर रहे हैं। हमारे बहुत से मदरसे ऐसे हैं कि जिनमें आज भी बहुत बेहतर पढ़ाई मिल रही है, चाहे आप नीट का रिजल्ट देख लें, चाहे आप IAS का रिजल्ट देख लें, लेकिन उसके साथ साथ बहुत से अभी भी बहुत से मदरसों में उनके अंदर सिर्फ दीनी तालीम दी जा रही है, और दीनी तालीम के साथ साथ उनको साइंस की, कंप्यूटर की, इंग्लिश की ये नॉलेज होनी चाहिए। और उसके लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार अल्पसंख्यक मंत्रालय पूरे देश में इसका प्रोग्राम बना रहा है और सभी जगह ये उन्नति के काम किए जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि डॉक्टर बनना भी जरूरी है, इंजीनियर बनना भी जरूरी है, तो खाली हाफिज से और मदारिस से उसे काम नहीं चल रहा। वो जहाँ अपनी जगह जरूरी हैं और हमारे लिए हर मुसलमान के लिए सबसे पहले है, अव्वल फर्ज है, लेकिन उसके साथ साथ हर जो तरक्की दुनिया चल रही है उसके साथ साथ उन्नति की चीज़ें चाहिए। अगर कोई ये नहीं चाहेगा कि भाई मेरे यहाँ ना किया जाए तो उसके यहाँ नहीं किया जाएगा, जाहिर सी बात है। जाकिर हुसैन ने कहा कि हरियाणा सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ काम कर रही है। जैसे ही हरियाणा वक्फ बोर्ड के आर्थिक हालात ठीक हुए तो सबसे पहली कलम उन्होंने इमामों की बेहतरी के लिए चलाई। इससे इमामों में खासा उत्साह है। हरियाणा वक्फ बोर्ड प्रदेश के इमामों को वेतन देने में केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाद दूसरे नंबर पर है। प्रदेश में इमामों का वेतन 6 साल बाद बढ़ाया गया है। यमुनानगर से सुमित ओब्रॉय, सत्य खबर। सत्य सटीक बेबाक।